हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, आपकी आंसर की से संबंधित एक न्यूज़ आई है और वह क्या है, चलिए फटाफट से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जानकारी मिल रही है कि नेक्स्ट वीक तक जो है वो आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर की स्थिति कल तक जो है स्पष्ट हो जाएगी। यदि आंसर की तैयार हो गई तो कल या परसों में जारी हो जाएगी, और नहीं हो पाई तो अगले वीक में ही आंसर की जारी होने की संभावना है। यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपकी आंसर की तो आ ही जाएगी, साथ में आपका रिजल्ट जो है तृतीय जो श्रेणी भर्ती परीक्षा है इसका रिजल्ट अप्रैल माह में जारी होगा। तो अप्रैल माह में जो है थर्ड ग्रेड जो है इसका परिणाम जारी होगा, और इससे पहले जो है पूरी संभावना बन जाती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने की। उसके बाद देखिए, स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम क्रमशः से निकालकर और क्रमशः नियुक्ति देने को लेकर सहमति जताई है। यानी कि जो भी पहल जो है सभी लोगों की जो अच्छी पहल हो रही है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट निकाला जाए, फिर सेकंड ग्रेड का और फिर थर्ड ग्रेड का, जिस तरीके से क्रमशः एग्ज़ाम हुए हैं ऐसे ही इनका परिणाम जारी हो, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल होगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी, जिसको लेकर भी सहमति जताई जा रही है शिक्षा मंत्री के द्वारा। न्यायालय में जो लंबित पशु चिकित्सक भर्ती 2019 है, फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO भर्तियों का निस्तारण जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया गया है, और इस संबंध में एडवोकेट जनरल को भी इन्होंने कह दिया है। तो यहाँ तक जो है टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ जो है आपके लिए है कि एक तो आपका जो है आंसर की जो है आपको नेक्स्ट वीक तक जारी हो जाएगी, दूसरा जो आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जल्दी जारी होगा थर्ड ग्रेड से पहले। तो इस तरीके से जो है ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो इससे जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये न्यूज़ जानकर कि रिजल्ट जो है बिल्कुल क्रमशः ऐसे ही जो है जारी होंगे जैसे एग्ज़ाम हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।